क्विज स्टार्ट होती है और हमें तीन लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक पुराने से खंडहर टाइप के चर्च के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि इस चर्च के नीचे हजारों सालों पुराना दबा हुआ खजाना है और उस खजाने का रास्ता इस चर्च के नीचे एक गुफा से होकर जाता है, जिसके बाद वो तीनों चर्च के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर रास्ता इतना ज्यादा भयानक था कि कोई भी देखकर डर जाए, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से उस चर्च के नीचे जाकर एक गुफा का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिसके दरवाजे पर अजीब तरह का टैटू बना हुआ था। यूजुअली ये चर्च में देखने नहीं मिलता। खैर, ये लोग उस दरवाजे को तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज करते हैं, पर इस बीच ब्लास्ट इतना ज्यादा भयानक हुआ कि उस दरवाजे के साथ साथ आसपास की चीजें भी टूटने लगती हैं। और देखते ही देखते वो लोग भी उस गुफा के अंदर चले गए और ऊपर से बहुत सारे पत्थर उस गुफा के दरवाजे को बंद कर देते हैं, और न सिर्फ इतना, वो चर्च भी ध्वस्त हो जाती है। उस गुफा के अंदर फंसे हुए हम इन तीन लोगों को देख पाते हैं, जो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है कि ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इतने में ही इन्हें एक बहुत डरावनी सी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो गया। सीन स्विच होता है 30 सालों के बाद और हम आ जाते हैं प्रेजेंट के समय में। यहाँ पर निकोलाई इस बार इस चर्च पर काम कर रहा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि इस चर्च के नीचे एक अजीब ही तरह की सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसके होने का सबूत अभी भी नीचे मिल सकता है। काफी मेहनत करने के बाद एक दिन उसे पानी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने कुछ वाटर डाइवर फ्रेंड्स को कॉल करता है, क्योंकि आगे के रिसर्च के लिए उसे उनकी जरूरत पड़ेगी, और वो लोग भी उसके कहने पर अगले ही दिन वहां पर आ जाते हैं। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए ये लोग अपने काम में लग गए और उसी रात पूरा प्लान बना लेते हैं। अपना कैंप वगैरह भी सेट करके अगले दिन की सुबह वो लोग ब्रिज को पानी के अंदर भेज भी देते हैं। उसके लगे हुए लाइव कैमरे में बाहर बैठे सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि ब्रिज क्या क्या देख रहा है, पर इसी बीच अचानक से उसके साथ उनका कनेक्शन टूट जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो गए और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा अंदर क्या हो गया कि उसके साथ उसका कनेक्शन टूट गया। इस कश्मकश में वो खोए हुए थे कि इतने में ही उसका कनेक्शन एक बार फिर से जुड़ जाता है, और कुछ दूर जाने के बाद ब्रिज उन्हें एक अजीब तरह का छोटा सा क्रिएचर दिखाता है, जो कि उन्हें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। पर इतने में ही ब्रिज ने कुछ ऐसा देखा कि वो डर जाता है, और इसके साथ ही एक बार फिर से उसका कनेक्शन कट हो गया। बाहर बैठे लोग समझ जाते हैं कि ब्रिज खतरे में है, तो वो तुरंत ही अपने अपने सूट पहन करके सीधा ब्रिज की लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। पर यहाँ पहुँच कर उन्हें पता चला कि ब्रिज उनके साथ बस प्रैंक कर रहा था। यहीं पर दूसरी तरफ उनकी टीम का एक बंदा जो कि साइड में खड़ा हुआ था कि तभी उसे एक और क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे वो देख ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब से क्रिएचर की आवाज उसके पीछे से सुनाई दी। अब वो कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बड़ा सा क्रिएचर उस पर अटैक करके उसे जान से ही मार देता है। दूर खड़े उसके साथियों को जब उसकी आवाज सुनाई दी तो वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए वहां जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाते। इसी बीच अचानक से उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, और इसी वजह से गुफा जिसके थ्रू ये लोग यहां पर आए थे उस पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लग जाते हैं और इनके वापस जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनका कनेक्शन बाहर के लोगों से पूरी तरह से कट हो चुका है, और ऐसे में वापस जाने का रास्ता भी बंद है, तो उन्हें पानी के अंदर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई भी बहुत लिमिटेड थी। जिसके बाद जैक टॉप नाम के एक बंदे के साथ पानी में उतरता है रास्ता ढूंढने के लिए, कि तभी वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत ही अजीब तरह के भयानक बिच्छू मौजूद थे, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ गया कि इसके आगे रास्ता ढूंढना यानी मौत को बुलावा देना। तो वो लोग खुद ही वहां से पीछे हो रहे थे कि इतने में ही जैक पर एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर देता है। जैक ऑलमोस्ट मौत के करीब ही था कि इतने में ही पीछे से टॉप उसे खींच लेता है और वो किसी तरह से बच भी गया। पर इस बीच जैक बेचारा बहुत घायल हो गया था, लेकिन उसने भी उस क्रिएचर का एक टेंटिकल काट लिया था, जिसे जेन
जिसे जेन नाम के एक साइंटिस्ट टेस्ट करती है, तो उसे पता चला कि ये क्रिएचर तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर इसकी प्रॉपर्टीज बताती हैं कि इसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब तरह की पावर्स हैं, लाइक ये इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं और कोई भी आगे नहीं जाना चाहता, पर अगर उन्होंने रिस्क लेकर के रास्ता नहीं ढूंढा तो गुफा में बंद रहने की वजह से भी वो भूखे मारे जाएंगे। इस वजह से वो जान का रिस्क लेकर के पानी में और भी आगे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर इतने में ही हम जैक को देख पाते हैं, जिससे कुछ अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। शायद वो भी उस क्रिएचर के कंट्रोल में आ रहा है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से नीचे गहरा झरना था। वहां पहुंचकर उनका लीडर उन्हें नीचे जाने के लिए बोलता है, लेकिन झरना इतना गहरा लग रहा था कि उसके नीचे कुछ भी हो सकता है, तो ये लोग काफी डर जाते हैं और कोई भी झरने के नीचे जाने से मना कर देता है। पर लीडर के फोर्स करने की वजह से वो ज्यादा देर तक मना भी नहीं कर पाते और उन्हें एक एक करके झरने के नीचे जाना पड़ता है। लेकिन इसी बीच जो निकोलाय था, जिसने उन्हें यहाँ पर बुलाया था, उसका पैर पत्थरों में फंस जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर स्टक हो गया। और दूसरी तरफ साइंटिस्ट जेन को एक अजीब तरह के क्रिएचर के होने का आभास होता है और वो उस पर हमला कर देता है। पर इतने में ही एक दूसरे बंदे ने आकर उसे बचा लिया, लेकिन वो बेचारा उसी झरने में नीचे चला जाता है और जेन चार्ली नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ उस झरने से उतरने लगती है। पर अभी तक निकोलाय ऊपर ही स्टक था। निकोलाय को छोड़कर बाकी सभी लोग नीचे आ चुके थे और वो आगे का रास्ता तय करते हैं। पर तभी निकोलाय किसी तरह से अपने पैर को मोड़ करके उस झरने से नीचे आ जाता है, लेकिन इस बीच उसे काफी ज्यादा चोट लग गई थी और चोट के दर्द से वो चीख रहा था कि तभी जैक ने उसकी आवाज सुनी और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचा कि इतने में ही पानी के अंदर से कोई क्रिएचर उसे पानी में ही खींच लेता है और दो पत्थरों के बीच ले जा करके उसे बहुत भयानक मौत देता है। पर इसी बीच जैक ने उस क्रिएचर के ऊपर VSSF नाम का एक टैटू देखा। दोस्तों ये देखकर हमें ध्यान आता है कि ये टैटू तो वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में उन तीन में से एक बंदे के हाथ पर देखा था। मतलब ये क्रिएचर वही बंदा है। पर ये क्रिएचर कैसे बन गया ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। निकोलाय को तो वो बचा नहीं पाया, तो जैक भी उन सभी लोगों के पास वापस आ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज हो गया कि अब अगर वो पानी में गए तो वो और भी ज्यादा डीप पानी में जाएंगे। ऐसे में उन्हें अगर ऊपर जाना है तो उन्हें पहाड़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिसके बाद उनकी ही टीम में एक लड़की जिसका नाम चार्ली था, वो पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट करती है और कुछ ऊंचाई पर उसे एक होल दिखाई देता है। चार्ली को लगा कि ये उसे बाहर ले जाने में हेल्प करेगा, तो वो अपने टीम के सभी लोगों को उस होल के बारे में बताती है। पर उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसे आजादी नहीं मौत देने के लिए बैठा है, क्योंकि उसके अंदर वही क्रिएचर छुपा बैठा था। जब चार्ली को भी कुछ अजीब लगता है तो वो टॉर्च से अंदर देखती है और वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। पर चार्ली किसी तरह से उसे खुद से दूर कर देती है, लेकिन वो उस पहाड़ के सेफ्टी रोप से लटक गई थी कि इतने में ही वो क्रिएचर उड़ता हुआ आकर के उसे खाने की कोशिश करता है। पर एक बार फिर से चार्ली उस पर फायर गन से अटैक कर देती है और इस बार तो वो उसे जलाकर मार ही देती है। खैर इसके बाद चार्ली को छुड़ाया गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो अब तक दम तोड़ चुकी थी। ये देखने के बाद जेन को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिस पर उसने सभी लोगों को क्लियर करते हुए बताया कि एक्चुअल में इस चर्च के नीचे कोई खजाना नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन रहा करती थी जो कि अजीब अजीब तरह के रिचुअल करती थी, जिसमें से एक रिचुअल था कि वो लोग इंसानों को एक बहुत ही क्रीपी सा क्रिएचर बना दिया करते थे और वो क्रिएचर अगर किसी को काट ले तो वो भी उसी क्रिएचर में बदल जाता है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है उस VSSF टैटू वाले बंदे के साथ यही हुआ होगा। जेन ने उन्हें वार्न करते हुए कहा कि जैक को भी उस क्रिएचर ने काट लिया है और यहाँ पर जैक की आंखें भी बदल गई हैं और उसका बिहेवियर भी अजीब सा हो रहा है। तो जेन सभी से कहती है कि उन्हें जैक का कहना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अब क्रिएचर के कंट्रोल में आ गया है और ऐसे में वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। पर जैक ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अभी भी उनकी हेल्प कर सकता है, पर जेन एलेक्स और ब्रिज उसकी बात नहीं मानते और उससे अपना रास्ता अलग करके दूसरी तरफ चले जाते हैं।
ये लोग जब पहाड़ चढ़ रहे थे कि तभी अचानक से एक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा पहाड़ से नीचे गिरता है। लेकिन इस बीच वो एक ऐसी कमजोर चट्टान पर गिरा था कि वो उसके बैग के लड़ने की वजह से टूट जाती है और नीचे एक रास्ता दिखाई देता है। वो तीनों उस रास्ते से अंदर जाते हैं कि तभी उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ पर वो सिविलाइजेशन के लोग इंसानों को ऐसे अजीब से क्रिएचर में बदला करते थे। मतलब ये उनके वही रिचुअल करने की जगह है। और दोस्तों यही रीजन था कि मूवी के स्टार्टिंग में जो चर्च के नीचे एक दरवाजा दिखाया गया था वो चर्च से बिलोंग नहीं कर रहा था, क्योंकि वो देखने में ही लग रहा है कि वो कोई रिचुअल करने वाला दरवाजा है। खैर वो लोग ब्रिस को भेज देते हैं उन दोनों को लाने के लिए, क्योंकि फाइनली उन्हें लगता है कि उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। ब्रिस भी उन दोनों को लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर एलेक्स और जेन पर वही क्रिएचर अटैक कर देता है। हालांकि इस बार तो वो लोग उस क्रिएचर से किसी तरह से बच जाते हैं, पर वो क्रिएचर उनका ऑक्सीजन टैंक ले गया। दूसरी तरफ ब्रिज पर भी वही क्रिएचर अटैक कर देता है और वो उसे एक बहुत ही सकरी जगह में ले जाकर मारने वाला था कि इतने में ही टाइलर उसे देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए उसके आगे बढ़ा, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो क्रिएचर ब्रिज को मार देता है। पर टाइलर को यहाँ पर जेन मिल गई, जिसके बाद ये दोनों ही आगे का रास्ता ढूंढने के लिए चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एलेक्स भी मिल जाता है और ये सभी लोग फाइनली उसी जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स ने उनसे कहा कि मेरा जो ऑक्सीजन टैंक है वो क्रिएचर ले गया, तो मैं उस ऑक्सीजन टैंक को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग आगे का रास्ता ढूंढो। पर इसके बाद कुछ दूर ही ये लोग चले थे कि इतने में ही इनके जो दो ऑक्सीजन टैंक थे वो एक बार फिर से नीचे गिर जाते हैं और उसके क्रिएचर को समझ में आ गया कि ये लोग कहां पर हैं, तो वो उन पर अटैक करने के लिए गुफा में लगी हुई नुकीली चीजों को नीचे गिराने लगता है और अनफॉर्चुनेटली एलेक्स के पैर में एक घुस भी जाता है, जिस वजह से एलेक्स अब मूव नहीं कर सकता था और वो क्रिएचर आकर के उससे बहुत भयानक मौत देता है। जिसके बाद वो टॉप और चेन की तरफ बढ़ता है और वो उन्हें मार रहा था कि इससे पहले ही टॉप बहुत ज्यादा बहादुरी से एक वेपन की हेल्प से वो उसका गला ही काट देता है। दूसरे तरफ चेक भी एक ऑक्सीजन टैंक की हेल्प से उसमें फ्लेयर डाल करके उसे एक डायनामाइट में बदल देता है, जिसके बाद उसने सीधा उसे पानी में फेंका और वो क्रिएचर उसमें ही चल जाता है। अब बचा हुआ क्रिएचर जैक पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि इतने में ही वो एक चाकू की हेल्प से उस पर ही कूद जाता है और ये दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं। एट लास्ट जैक उस क्रिएचर को मार देता है, पर वो खुद भी मारा जाता है। इतने सारे विस्फोट किए थे कि गुफा ध्वस्त होने लगती है, तो जेन और टाइलर उस पानी में कूद जाते हैं और अंततः उन्हें भी वहां से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम जेन और टाइलर को देखते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी वहां से उठते समय जेन एक बहुत ही क्रीपी आवाज में उससे कहती है, ये बोलते ही वो उठकर वहां से जाने लगती है। टाइलर को समझ में आ गया कि जेन भी उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड है और इस समय उसके कंट्रोल में है, पर वो चारों तरफ जेन को ढूंढता है पर उसे जेन कहीं भी नहीं मिली और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, यदि ना पसंद आई हो तो प्लीज डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, पर अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मूवी के अपलोड होते ही एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।